नमस्ते, सुप्रभात, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज फिर से कालीसिला माता के दर्शन के लिए चलते हैं और जो आज की हमारी यात्रा है ये ब्योंकी से शुरू हो रही है। सामने ये ब्योंकी गांव है और सबसे पहले अगर कालीसिला जाते हैं तो ठीक ब्योंकी के थोड़ा सा ऊपर आपको एक बड़ी सी शिला दिखती है जिसको कहते हैं भीमशिला। पहले काफ़ी दूर था, कालीमठ से पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब ब्योंकी तक रोड आ गई है। थोड़ा कच्ची सड़क है अभी, लेकिन फिर भी यहाँ बरसात को छोड़ के कभी भी यहाँ से इस रास्ते कालीसिला जाया जा सकता है। केवल 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो कालीसिला के लिए पैदल चलते ही एक मंदिर के दर्शन हो जाते हैं और ये मंदिर है ब्योंकी गांव का और स्थानीय जो देवी देवता हैं उनके लिए समर्पित ये मंदिर है और विशेषकर माता रानी का ये मंदिर है। और जो ये मंदिर सामने बना हुआ है, जैसे कालीमठ में मंदिर बना हुआ है उसी तर्ज पर बना हुआ है, वैसे ही इसका डिजाइन बनाया हुआ है। तो स्थानीय देवी देवता और विशेषकर माता के लिए मंदिर समर्पित है। यहाँ से ऊपर चढ़ाई जाना है और फिर ऊपर 3 किलोमीटर लगभग चल के कालीसिला पहुँचा जा सकता है। तो लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं कालीसिला के नज़दीक और जिस स्थान पर हम अभी हैं यहां से कालीसिला की जो दिव्य शिला है उसके दर्शन हो जाते हैं। तो आप भी कीजिए माता रानी की दिव्य शिला के दर्शन। जय माता रानी। दो घंटे चलने के बाद पहुंच गए हैं कालीसिला में और पहले काफ़ी दूर था कालीमठ से, लेकिन अब बहुत कम समय में ही कालीसिला पहुंचा जा सकता है। बड़ी शिला है ये, लेकिन शिला का जो स्थान जहाँ पर हम अभी हैं यहाँ पर माता रानी की पूजा होती है। ईश्वरी जे बगला धूमावती भैरवी तारा चिन्ह शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुम नौ प्रवंति वांछित बलम यस्य प्रसादम विना। ये है कालीसिला और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसको कालशिला भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ी ये शिला है और इस शिला में 64 यंत्र बने हुए हैं और इन्हीं 64 यंत्रों से माता को शक्ति मिलती है। और दो मान्यताएं इस स्थान और इस शिला के संदर्भ में है। पहली मान्यता के अनुसार यहां पर माता रानी राक्षसों का संहार करने के लिए 12 वर्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि इसी शिलाखंड में माता पार्वती ने जन्म लिया था। शिला के अतिरिक्त यहाँ पर एक मंदिर भी है और मंदिर में दुर्गा माता की प्रतिमा के साथ साथ गणेश भगवान जी और शिव जी की मूर्ति भी है। यहाँ इन सभी मूर्तियों की पूजा की जाती है। इस जगह के आसपास वन देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि यहाँ पर 64 योगिनियां निवास करती हैं। तो दर्शन के साथ साथ अच्छे से पूजा भी हो गई है और अब दिन का समय हो गया है। तो यहाँ दुकानें तो है नहीं, लेकिन हम घर से आटा चावल इत्यादि लेकर के आए थे और बर्तन हमें यहाँ मिल गए हैं। तो अब चलते हैं और कहीं पे जगह देख कर के फिर आज दिन का खाना यहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे लगे हुए थे पहले से, तो यहीं पे बनाते हैं आज दिन का खाना।
तो बीच में ही थोड़ा बारिश भी आ गई है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ी ही आएगी बारिश। तो खाना बनकर तैयार हो गया है और अब पत्तल और थाली में भी रख दिया है और अब खाने की तैयारी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ। जय माता रानी।